गुड इवनिंग, माई सेल्फ डॉक्टर विनोद मुदगल एंड आई एम ए सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज मैं ओवेरियन कैंसर मतलब फीमेल्स के अंडाशय के कैंसर के बारे में डिस्कस करूँगा। फीमेल में अंडाशय एक जननांग का पार्ट है जो यूटरस मतलब गर्भाशय के बगल में पाया जाता है। ये एक ग्रंथि है जो हर फीमेल में दो ग्रंथियाँ होती हैं, दोनों तरफ यूटरस के दोनों साइड में होती हैं। इस ग्रंथि का मुख्य काम फीमेल्स में जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, उनका प्रोडक्शन करना। दूसरा उनका इसका मुख्य काम है वो है फीमेल्स में एग का प्रोडक्शन करना, एग्स जिनसे फर्टिलिटी आती है फीमेल्स में, ये फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉर्मली हर फीमेल में जो ओवरी है उसमें एवरी मंथ साइटोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, उसमें जो कोशिकाएं रहती हैं उनका प्रोलिफरेशन मतलब उनकी ग्रोथ होती है वो हर मंथ में प्रोग्रेस होती है, फिर उसका साइज फिर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन कभी कभी उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है तो वो ट्यूमर का रूप ले लेती है, जिसे ओवेरियन ट्यूमर या ओवेरियन कैंसर भी बोल सकते हैं। ओवेरियन कैंसर महिलाओं का तीसरा मुख्य कैंसर है। जो इंडियन डेटा बताते हैं कि इंडिया में जो फीमेल्स हैं उनमें ओवरी थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है, इवन वर्ल्ड में भी यह थर्ड मोस्ट वुमेन कैंसर है। WHO के डाटा बताते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया में एवरी ईयर नियर अबाउट 37,000 नए पेशेंट आते हैं ओवेरियन कैंसर के, तो एक ये बड़ा नंबर है। एवरी ईयर बड़ी संख्या में ओवेरियन कैंसर के पेशेंट अब हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरा, ये एक ज़्यादातर जो पेशेंट हैं ये एडवांस स्टेज में आते हैं, ये एक्चुअली स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। इसको कुछ लोगों में कुछ बुक्स में इसको स्लो किलर भी डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली ग्रो होता है, फीमेल्स को पता नहीं पड़ता है, अंदर ही अंदर ग्रो होके एडवांस स्टेज में पहुँच जाता है जहाँ पर ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो पाता, तो इसको स्लो ग्रोइंग भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर हायर सोसाइटी फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, उसका क्या कारण है वो भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। यह मुख्यतः 50 से 60 साल की उम्र के फीमेल्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ टाइप के ट्यूमर्स रहते हैं वो अर्ली एज में भी फीमेल्स में मिलते हैं। ज़्यादातर जो ओवेरियन कैंसर उनको दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक जर्म सेल ट्यूमर है जो कि 20 से 25 30 साल तक की फीमेल्स में मिलता है, दूसरा एपिथेलियल ट्यूमर है जो कि एडवांस एज मतलब 50 to 60 ईयर और उससे ऊपर वाली महिलाओं को मिलता है। तो हर जो जो ओवेरियन ट्यूमर है, जो डिफरेंट टाइप का ट्यूमर है, उनका अलग अलग पैथोलॉजी रहती है, अलग अलग ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं। अब मैं आपको इस बीमारी के रिस्क फैक्टर मतलब किन कारणों से ये बीमारी होती है उसके बारे में अवगत कराऊंगा। ये इसके एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है, पर जितने भी जो सजेस्टिव कारण हैं वो जो डेटा मिले हैं उसके आधार पर यह कैंसर मुख्यतः लेट मैरिज वाली फीमेल्स में और जो हार्मोन लंबे समय तक हार्मोन ट्रीटमेंट ले रहे हैं जैसे कि कई फीमेल्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं उनमें ज़्यादा इसका इंसिडेंस मिलता है। इनफर्टिलिटी वाली फीमेल जो इनफर्टिलिटी जिनको जिन फीमेल्स को है और जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लंबे समय तक लिया है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर ओवेरियन कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा फीमेल्स में मोटापा, डायबिटीज का होना, ब्लड प्रेशर का होना, ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, ये भी ओवेरियन कैंसर की रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके अतिरिक्त एक जेनेटिक कॉज भी होता है। जेनेटिक मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन के थ्रू ट्रांसफर होता है। इसके लिए जो अभी तक जो जीन्स हैं जो डिफाइन हुए हैं वो है BRCA1 and 2 जीन। ये जीन्स हैं, ये एक जनरेशन से अगर एक किसी फीमेल को ये जीन म्यूटेशंस पाया जाता है तो उसके बच्चों में भी ये ट्रांसफर हो सकता है और उसमें भी ओवेरियन कैंसर होने की रिस्क हो सकती है। ओवेरियन कैंसर के अलावा ये अदर कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर में भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हमारे जो इंडियन रजिस्ट्री के हिसाब से नियर अबाउट 20% 18 to 20% लोगों में जेनेटिक फैक्टर पाया जाता है ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स में।
अब मैं इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सिम्टम मतलब क्या लक्षण बनते हैं जब ओवेरियन ट्यूमर होता है। तो ओवेरियन ट्यूमर एक्चुअली ये जो ओवरी है, जो अंडाशय है, वो फीमेल में एब्डोमेन में सबसे लोअर पार्ट में सिचुएटेड रहता है। वहां पे जो नियर बाय स्ट्रक्चर है उनमें ये सबसे पहले स्प्रेड होता है, वहीं पे फैलता है। तो सबसे पहले उन्हीं उनसे रिलेटेड ही सिम्टम आते हैं। इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। जो जो नियर बाय स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करने के बाद जो लक्षण आते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है वो पेन इन एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में हमेशा पेट लोअर नीचे वाले एरिया में हमेशा दर्द बना रहता है। बैक में पेन होता है फीमेल्स को। कभी कभी यूरिनेशन में मतलब पेशाब जाने वाले दिक्कतें आती है। बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है। कभी कभी मोशन जाने में प्रॉब्लम आने लगती है। एब्डोमिनल फुलनेस होती है, एब्डोमिनल स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है, परवेजनल ब्लीडिंग होने लगती है। और इसके बाद कभी कभी पानी भर जाता है तो डिफ्यूज एब्डोमिनल स्वेलिंग आ जाती है। और अगर एडवांस स्टेज में कभी कभी पहुंच जाता तो फेफड़ों में पानी पहुंच जा भर जाता है, तो उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज और अदर पार्ट में बॉडी में स्वेलिंग, लिम्फ नोड स्वेलिंग्स दिखने लगती हैं। तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके बाद मैं इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे बीमारी को हम डिटेक्ट करें। तो कोई भी फीमेल अगर ये ऐसे कुछ लक्षणों के साथ आती है, कभी उसको एब्डोमिनल स्वेलिंग है या पेन बना हुआ है लगातार काफी समय से, और इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट है उसको, तो जब वो डॉक्टर्स के पास आते हैं, डॉक्टर सबसे पहले ऑन्कोलॉजिस्ट उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, थोरो एग्जामिनेशन करते हैं कि इसका डिसीज कहाँ पे है और कहाँ तक स्प्रेड हुई है। उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, सुप्राक्रैनियल लिम्फ नोड्स और जेनेटल ऑर्गन की जानकारी एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे हीमोग्राम, LFT, RFT और एक ये टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा USG एब्डोमेन एडवाइस किया जाता है और सीरम CA-125, एक जो कैंसर ओवेरियन कैंसर मार्कर है, ट्यूमर मार्कर है, इसको भी सजेस्ट किया जाता है। ज्यादातर कैंसर में ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है सीरम CA-125 की। USG में हमें ये पता चलता है कि जो अंदर जो ओवेरियन जो मास बन रहा है वो सिंपल सिस्ट है या फिर इसमें कॉम्प्लेक्स फीचर्स है। कॉम्प्लेक्स फीचर्स मतलब इसमें जो नॉर्मल पानी वाली जो सिस्ट बनती है उसमें कभी भी सॉलिड कंपोनेंट आ जाता है, सॉलिड मास बनने लगते हैं, तो उस कंडीशन में कैंसर होने की रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके बारे में आइडिया मिलता है। जब अगर अल्ट्रासाउंड में हमें सॉलिड कंपोनेंट और एबनॉर्मल फीचर्स दिखने लगते हैं तो उससे आगे हम CT स्कैन एडवाइज करते हैं, जो स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन है। CT स्कैन में हमें एग्जैक्टली डिसीज का पता चलता है, या डिसीज कितने स्प्रेड हो चुकी है, कहाँ तक फैल गई है, किस टाइप की ट्यूमर लग रहा है। और कभी कभी बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो हमें उसकी बायोप्सी करके और कीमोथेरेपी के लिए भी भेजना पड़ता है। ये तो इसके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो गए। अब मैं आपको इसके स्टेजिंग के बारे में जानकारी दूंगा। ओवेरियन कैंसर की स्टेज को 4 भागों में डिवाइड किया है, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 में जो ट्यूमर है वो केवल ओवरी में ही बना रहता है। स्टेज 2 में वो जो नियर बाई ऑर्गन है जैसे रेक्टम या पेल्विक ट्यूमर है या यूट्रस है, पेल्विक एरिया है, उनमें सब में स्प्रेड होने लगता है। स्टेज 3 में वो पूरे पेट में फैलने लगता है, कभी कभी पेट में पानी भी भरने लगता है। इसको हम मेडिकल टर्म में एसाइटिस बोलते हैं, एसाइटिस आने लगती है। स्टेज 4 में ये कई वाइटल ऑर्गन जैसे कि लंग्स में फैल जाता है, लिवर में फैल जाता है, ब्रेन में, और मल्टीपल साइट्स हैं यहाँ पर ये फैल सकता है, उसको एडवांस स्टेज बोलते हैं। और इनका ट्रीटमेंट भी स्टेज वाइज होता है। नॉर्मली हर कोई पूछता है कि भाई ये इतना डेंजरस डिसीज है ना, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं तो। इवन एडवांस स्टेज में भी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 एंड 2 में अगर पेशेंट डिटेक्ट होता है तो हम इसमें सर्जरी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का। स्टेज 1 में केवल सर्जरी इनफ होती, आगे कोई कीमोथेरेपी और कुछ नहीं देना पड़ता, कोई एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता। अगर स्टेज 2 में आता है पेशेंट तो उसमें हमें सर्जरी करने के बाद कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। सर्जिकल सर्जरी एक
एडवांस टेक मतलब टेक्निकली साउंड होना चाहिए इसके लिए। एक जो जो सर्जरी है वो रेडिकल सर्जरी होना चाहिए, जिसमें कंप्लीट डिसीज को निकालना चाहिए। मेडिकल टर्म में इसको ऑप्टिमल साइटोडक्शन कहते हैं। इसमें हम यूट्रस मतलब बच्चेदानी और अंडाशय के जो ट्यूमर है उसको निकालते हैं, साथ में जो ग्रंथियां बढ़ जाती हैं पेट में उनको पूरा कंप्लीट निकालते हैं। उसके बाद पेट में जिन जो मल्टीपल झिल्लियां होती हैं, जहाँ पर ट्यूमर छुपा हो सकता है या यहाँ पर ट्यूमर इन्वॉल्व है, उन पूरे पार्ट को निकाला जाता है। ये सर्जरी थोड़ी डिफिकल्ट है और टेक्निकली डिफरेंट सर्जरी है, इसको हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है। ज्यादातर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इसको प्रॉपर सर्जरी कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी डन विदाउट इट शुड बी ओनली डन बाई द सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल गायनेको ऑन्कोलॉजिस्ट, क्योंकि ये अगर ये डिसीज रह गई, कंप्लीट साइटोडक्शन नहीं हुआ, तो ये डिसीज रिकर कर जाती है, सर्वाइवल बहुत ज्यादा घट जाता है, आउटकम बहुत बेकार रहते हैं। तो दिस सर्जरी शुड बी डन बाई द सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। उसके अलावा अब स्टेज 3 में कभी कभी पेशेंट मिलता है, जिसमें एब्डोमेन में एसाइटिस बन गई, मतलब पानी भर गया है, या एब्डोमेन की कुछ जो ओमेंटम है या कुछ और पेरिटोनियल झिल्लियां वगैरह होती हैं, उनमें अगर ट्यूमर फैल गया है, उस कंडीशन में इसको शुरुआत में सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता है। उस कंडीशन में हमें पहले इनको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी से ट्यूमर का साइड रिड्यूस किया जाता है, उसके बाद हम सर्जरी और सर्जरी दोबारा से ऑप्टिमल साइट रिडक्शन के लिए लेते हैं। स्टेज 4 में भी कई कुछ हद तक हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देके पेशेंट को डाउन स्टेज करते हैं। डाउन स्टेज करने के बाद हम सर्जरी के लिए लेते हैं उसको। अभी रिसेंट मॉडलिटीज भी इसके लिए आ गई हैं, उनके लिए भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। रिसेंट मॉडलिटी में अगर पेशेंट को रेकरेंस आई है, तो हम कंप्लीट साइटोडक्शन करके और हाइपेक एक ये हाइपरथर्मिक इंट्रापेटल कीमोथेरेपी देते हैं, जिससे कि आउटकम सर्वाइवल बढ़ गया है, आउटकम बेटर आते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है, तो फिर इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, अदर मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। एट लास्ट मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर फीमेल्स है और उसमें कुछ भी एब्डोमिनल स्वेलिंग है या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लंबे समय से बना हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, उसका एवेल्यूशन कराइए, क्योंकि अर्ली स्टेज में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल लाइफ हो जाती है बिल्कुल, लेकिन एडवांस स्टेज में उतना ही आउटकम बिगड़ जाता है। थैंक यू।